नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। भाई सऊदी अरबिया के बार बार वीडियो बनाने पड़ते हैं मुझे, क्या करें। न्यूज़ मेरे पास आती है तो बनाना ज़रूरी है। अब कोई नाराज़ हो तो हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं सऊदी अरबिया की, दो अपडेट बात करेंगे। एक ये अपडेट है कि एक बंदे को सऊदीया भेजा, फंसा हुआ है 1.5-2 साल से, उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको, बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन एम्बेसी ने भी बोला, लोगों ने बोला कि हेल्प नहीं करी। सेकंड भी ये मेरे पास एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि लगभग 450 भारतीय कामगार हैं जो काम छिन जाने की वजह से परेशान हैं, रोड पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। हालांकि इसका मेरे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको मैं आधिकारिक बता नहीं सकता। लेकिन जो न्यूज़ आई है उस दोनों न्यूज़ पर हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा तो लाइक करें, शेयर करें। भाई ये ताज मोहम्मद है कोई, अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी जरूर हेल्प करिए। मैं बता दूं, ताज मोहम्मद नाम है, 2 साल से सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, ठीक है। ये इनको किसी एजेंट ने भेजा था दूसरे जॉब में। आपको पता है सऊदी अरबिया की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सऊदी अरबिया में जो घरेलू वीजा होते हैं, मैं हर बार बार बोलता हूं कि भाई घरेलू वीजा में ऐसा ना जाएं। घरेलू वीज़ा में होता क्या है कि कोई भी, ये वीज़ा क्या है कि लगभग तो फ्री होते हैं, कोई पैसा इन वीज़ा का नहीं लगता एक रुपया भी, बल्कि सामने देते हैं कि भाई ये वीज़ा ले, टिकट ले, ये 50,000 रुपये और ले, हमें 2 बंदे भेज दे, हमें 4 बंदे भेज दे, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, वो फिर उनको ऐसे है ना पकड़ लेते हैं, हाँ ये ठीक है 60,000-70,000, उससे वो कम पैसा लेते हैं। बाकी जॉब में मान लो 1,00,000 रुपये एजेंट ले लेते हैं, ट्रक ड्राइवरी में, फलाने में, झिमके में, जॉब में। ये नॉर्मल वीज़ा में यार घरेलू वीज़ा तेरे 50,000 लग रहा है, वीज़ा का पैसा लग रहा है, बाकी कोई पैसा नहीं लग रहा है। बंदा खुश हो जाता है, बोलता है तेरे को वहाँ गार्डन में काम करना है, तेरे को घर में काम करना है, तेरे को फार्म हाउस में काम करना। बंदा बेचारा खुश हो जाता है, चलो अपने को ये काम करने, ये तो हम नॉर्मली कर ही लेंगे। जैसे ही बंदा वहाँ पहुँचता है तो उसके सिस्टम जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये घरेलू होता है उनका, नहीं तो कोई एग्रीमेंट होता है फाइनली, नहीं कुछ और उनका और होता है। मतलब ऐसे ही वहाँ जाते हैं, फिर बोलते हैं हम 1400 आए में हैं, 1400 सैलरी बोल के भेजा एजेंट ने तो हम 1200 रियाल देंगे, 1200 बोल के रियाल भेजा तो हम 1000 देंगे, आपका खाना वगैरह वगैरह, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी का शिकार ये ताज मोहम्मद हो गया। बता, यूपी का बंदा है ताज मोहम्मद, आज से 2 साल पहले सऊदी गया था, काम किसी दूसरे में भेजा गया, काम मिला इनको बकरी चराने का। जी हाँ साथियों, बकरी चराने वाला, यानी जंगल में बकरी चराने वाला। आपको पता है सऊदी में जो लोग रहते हैं कैसा काम होता है, यानी इस बंदे की आप शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जो बंदे की पासपोर्ट में जो इमेज है ना, आप देख सकते हैं पासपोर्ट में ये बंदा ऐसा दिखता है, आप गौर से देख लीजिए इस बंदे को। 2 साल में इसके हालात क्या हो गए, अब देखिए इसका दूसरी फोटो आप देख सकते हैं, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक भाई बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरा भाई देखो एकदम बेचारा गरीब सा है, अनपढ़ आदमी है। दोनों में शक्ल दोनों की एक ही, एक ही बंदा है, लेकिन दोनों में अलग अलग इतना डिफरेंस आ गया इस बंदे को। वहाँ पर काम करते करते 1.5 साल से उसको कफील ने 1 रुपये की सैलरी नहीं दी, मोबाइल भी उसके पास नहीं है, इनके नंबर भी दिए गए हैं, घर के नंबर भी हैं, और रिस्पॉन्सर इसका है वहाँ का कफील है, उसका नंबर भी दिया गया है। अगर भाई आप ये वीडियो कोई सोशल वर्कर देख रहे हैं, कोई ऐसा लगता है कि आप इसकी हेल्प कर पाओगे तो ये हेल्प कर सकते हैं। ये बता दूं मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं आई है, ये न्यूज़ इंडियन एम्बेसी को ट्वीट किया गया है, और एक बंदे ने ये भी लिखा है कि इंडियन एम्बेसी ने इनकी कोई हेल्प नहीं की। जी हालांकि इंडियन एम्बेसी ने इनके घर का ये नंबर मांगा है कि आप इनके कॉन्टेक्ट दीजिए, हम इसकी हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह बोलते हैं। इनका लेबर कोर्ट में केस भी कर रखा है, उसका अभी अल्टरनेट नहीं निकला वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। लेकिन आप इनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ भाई, आप इनकी जरूर, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इनकी हेल्प कर पाओगे तो जरूर करना। सेकेंड बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास सऊदी अरबिया से एक न्यूज आई है कि 450 इंडियन वर्कर हैं जो वहां पे भीख मांग रहे हैं। क्यों भीख इसलिए मांग रहे हैं कि लॉकडाउन में वो फंस गए, जॉब उनका हाथ से निकल गया, जॉब उनके पास है नहीं, खाने को पैसा नहीं है, रहने को जगह हो सकता है मिल रही होगी, तो उनके किसी इंडियन वर्कर जो सोशल वर्कर थे उनके सामने ये टकरा गए, तो सोशल वर्कर ने उनकी हेल्प करी, इंडियन एम्बेसी को टेक किया, तो न्यूज़ निकल के आई कि यूपी के लगभग 40 लोग यूपी के बता रहे हैं, बिहार के 10 लोग बताए जा रहे हैं, तेलंगाना के इसमें 5 लोग बताए जा रहे हैं, जम्मू महाराष्ट्र और कर्नाटक के 4-4 लोग बताए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश का 1 बंदा बताया जा रहा है। ये बंदे इतने, अब इसमें ये बंदे तो कितने होते हैं भाई, 17-18 बंदे के करीब होते हैं, बाकी बताया गया 450 है। हालांकि ये मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये न्यूज़ है, कितनी सच्चाई है पता नहीं है भाई, क्योंकि अगर अपने पास एविडेंस आता है तो हम दिल खोल के इसमें बोल सकते हैं। हालांकि इंडियन एम्बेसी को सूचित किया गया है, इंडियन एम्बेसी ने उनको वहाँ पे जो डिटेक्शन सेंटर होते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है सरकार की तरफ से, वहाँ पे उनको आश्रय दिया गया है। इंडियन एम्बेसी के इनका पूरा विवरण, उनके घर का एड्रेस पता मांगा है ताकि इनको घर भिजवा जाए।
तो भाई सऊदी अरबिया में ऐसा होना आम बात है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं किसी के अगर आपके सामने ऐसी हो तो ज़रूर थोड़ा हेल्प करें। और ताज मोहम्मद की आप लोग अगर हेल्प कर दें तो ये बंदा हो सकता है घर आने के लायक हो जाएं। बस ये वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।